नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस नए वीडियो में हम आपको एशिया कप के चौथे T20 मुकाबले यानी कि भारत और हांगकांग के बीच खेले जाने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट बताएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि इस मुकाबले में भारतीय टीम हांगकांग की टीम से टकराई थी। इस मुकाबले में भारतीय फैंस का यह मानना था कि भारतीय टीम इस मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करेगी और 200 के पार रन बनाएगी। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि इस मुकाबले में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया, हालांकि वो 200 रन बनाने से चूक गई और टीम इंडिया 20 ओवर में 2 विकेट खोके 192 रन बनाए। हांगकांग की टीम के कप्तान ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जिसके बाद दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय टीम के युवा बल्लेबाज केएल राहुल और कप्तान रोहित शर्मा मैदान पे उतरे। दोस्तों दोनों के फैंस ये चाह रहे थे कि इस मुकाबले में दोनों खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन करें। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि कप्तान रोहित शर्मा मात्र 21 रन बना के पवेलियन लौट गए, जबकि केएल राहुल भी 36 रन ही बना पाए। उसके बाद दोस्तों आपको बता दें कि विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव ने धमाकेदार अंदाज में बल्लेबाजी की, जिसके वजह से ही टीम इंडिया 2 विकेट खो के 192 रन बनाई। दोस्तों आपको बता दें कि इस मुकाबले में विराट कोहली का प्रदर्शन देखने लायक था, उनके फैंस भी आज खुश हैं विराट कोहली से। दोस्तों बता दें कि इस मुकाबले में विराट कोहली ने 44 गेंद में 59 रन बनाए, जिसमें शानदार 3 छक्के और 1 चौके शामिल हैं। वहीं सूर्य कुमार यादव गेंद ने भी 26 गेंदों पर 68 रनों की पारी खेली, जिसके बदौलत ही टीम इंडिया ने हांगकांग के खिलाफ 193 रनों का टारगेट रखा। दोस्तों 193 रनों का पीछा करने उतरी हांगकांग की टीम की शुरुआत काफी खराब रही। उनके कप्तान एन खान सिर्फ 10 रन बना के पवेलियन लौट गए, जिन्हें रविंद्र जडेजा ने रन आउट कर दिया, जबकि ओपनर बल्लेबाज वाई मुर्ताजा भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए और अर्शदीप सिंह के केस में आवेश खान के हाथों कैच आउट हो गए। दोस्तों आपको बता दें कि इस मुकाबले में हांगकांग के तरफ से बी हयात ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया, वो भी टीम को मैच नहीं जिता पाए। दोस्तों आपको बता दें कि एशिया कप में भारतीय टीम अपना दोनों मुकाबला जीत चुकी है और अब एशिया कप में भारतीय टीम को सुपर फोर में जाने से कोई टीम नहीं रोक सकती। दोस्तों आप बता दें कि सुपर फोर में फिर से भारतीय टीम को पाकिस्तान के खिलाफ भिड़ना है। अगर आप भी चाह रहे हैं कि टीम इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ एक बार फिर जीत दर्ज करें तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि क्रिकेट से जुड़ी हर खबर जल्दी से आप तक पहुंच जाए।